हेलो गाइस, एस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्विमिंग पूल हीट एक्सचेंजर के बारे में देखेंगे। हमें ये जो कंप्लेंट मिली है कि इस यूनिट में देखिए सिस्टम 4 हाई प्रेशर प्रोटेक्शन का अलार्म है और ये जो है हमारा स्विमिंग पूल हीट एक्सचेंजर अस्ट्रल पूल कंपनी का है। ये जो इसका मॉडल नंबर है AHP 250R4 407 गैस है इसमें। ये स्विमिंग पूल हीट एक्सचेंजर है। ये जो है इसका सर्किट डायग्राम, इसमें देखिए आप चार कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये जो कंप्रेसर, फैन मोटर्स, फ्लो स्विच, HVAC स्विचेस, एक सेंसर्स, कॉइल सेंसर्स, देखिए चार कंप्रेसर इसमें थ्री फेस के। उसके बाद तीन फैन मोटर है, FM1, FM2, FM3। और 12 वोल्ट के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये देखिए ये जो मेन कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये जो 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर हैं जो नीचे वाले पीसी को दिए हुए हैं। ये इसमें दूसरे पीसी भी है, इसको भी एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। और ये जो नीचे जो है फैन मोटर के पावर सप्लाई है और कैपेसिटर भी यहीं पे लगे हुए हैं 6 mF के। और ये जो है कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर्स है, ये कंप्रेसर 1 का। और साइड में जो है वो थ्री फेस प्रोटेक्टर है, जैसे कि एक फेस भी ट्रिप हो जाएगा तो पावर को ट्रिप कर देगा या ऑफ कर देगा। ये मेन ब्रेकर है, जैसे कि इसमें इशू था कि कंप्रेसर यहाँ इसके सारे सही है, प्रेशर भी HPL भी सही है, इसी वजह से हमने यहाँ पे जो RO03 और R04 ये जो है ना R001 R002 ये चार सर्किट के मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करने वाली सप्लाई है। यहाँ से होके ये जो सप्लाई है, ये देखिए इस नंबर 1 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर के दूसरे कंप्रेसर के सेकंड कॉन्टेक्टर के कॉइल में गई है। और ये जो है फैन है, कंडेंसर फैन के वायर से कैपेसिटर से। और ये जो है जो ऊपर से कंट्रोलिंग आया हुआ, ये चार वायर्स है, हर एक चार कंप्रेसर के लिए चार कंट्रोलिंग ऊपर से आए हैं कॉइल को सप्लाई देने के लिए। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे R04 के जगह पे R02 वायर को एक्सचेंज किया। उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो इशू था जिस सिस्टम फोर में, वो भी कंप्रेसर काम करने लगा है। तो हमें इसे ये मालूम पड़ा कि ये जो डिवाइस कंट्रोलिंग डिवाइस था वो डिवाइस खराब, उसमें एक आउटपुट है, आउटपुट नहीं आ रही है ठीक से, इसलिए वो सर्किट ऑन हो नहीं पा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कितना एम्स लेता है। अभी फैन ऑन हो चुके हैं इसके, अभी ये कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 के कॉन्टेक्टर थे, देखिए ये ऑन हो चुका है। अभी ये भी ऑन हो चुका है।
सारे प्रीफिक्स के हैं, तो हम चेक करेंगे सारे चारों कंप्रेसर के। देखिए 10 से 9 एम्स तक सारे कंप्रेसर ले रहे हैं हर एक पे। इसकी जो मेन कंट्रोलिंग पीसीबी है उससे जो R04 जो आउटपुट निकल रही है उसमें प्रॉब्लम है कि वो आउटपुट सिर्फ 2 सेकंड के लिए देती है, उसके बाद कट ऑफ कर देती है। और दूसरे तीनों स्लॉट में R01, R02, R03 ये तीनों स्लॉट में उसी कंप्रेसर को हम इंटरचेंज करके देखेंगे तो वो सही काम करता है। इससे हमें ये पता चला कि जो R04 आउटपुट है वो फॉल्टी है। तो हम दूसरे कंट्रोलर को ऑर्डर किया हुआ है, उसको आने के बाद रिप्लेस कर देंगे। देखिए और एक पावर सप्लाई, देखिए 18 फेस न्यूट्रल, ये जो हम लोग एम चेक कर रहे हैं, जो कंट्रोलर जो है जो ऊपर वाले कंट्रोलर से जो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए सप्लाई आ रही है कॉइल को, उसको लोड ले रहे हैं। ये देखिए ये कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, इसका भी इसका एम 0 है और ये जो कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है, तो कॉइल का एम जो है कॉन्टेक्टर कॉइल का 0.11 एम। ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि सपोज़ इन एमरजेंसी हमें वो जो एक आउटपुट ख़राब है उस वजह से एक कंप्रेसर हमारा ऑफ पोजिशन में है, उसको एमरजेंसी ऑन करना पड़े तो हम लूपिंग करके वो कंप्रेसर को भी चला सकें। इसलिए हम ये जो कॉन्ट्रेक्टर के कॉयल में जो आने वाले फेज के एम्स जो है चेक कर रहे हैं। ये जो नहीं चल रहा है इसलिए इसमें 0 एम्स है, ये चल रहा है इसलिए इसमें, ये अभी ठीक है, ये चल रहा है इसलिए इसमें 0.09 एम्स दिखा रहा है। ये जो है यहाँ पे 4 कंप्रेसर लगे हुए नीचे, 1, 2, 3 और ये 14, और इसमें HP LP भी लगे हुए हैं। ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, ये जो है प्योरबर्ट यूनिट को जाने वाला एक्सटेंशन लाइन है। ये चिल्ड हो रहे हैं, अभी काम कर रहा है सही से, तो कूलिंग भी मेंटेन हो रहा है। ये देखिए 18 मोड पे चल रहा है ये, इसलिए अभी कंडेंसिंग यूनिट जो है ये ऑपरेटर कॉइल बना हुआ है और ये ऑपरेटर यूनिट जो है वो कंडेंसिंग यूनिट जैसे काम कर रहे हैं, और इसका प्रेशर जो है सक्शन गैस प्रेशर 85 से 90 PSI के बीच में है। यहाँ पे कंपनी द्वारा ऑलरेडी मीटर्स दिए हुए सक्शन प्रेशर के, लो प्रेशर के 4 पंप सर्किट के लिए 4, इसमें भी दिखा रहा है आपको 100 PSI के करीब दिखा रहा है। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसमें R407
इंटू फोर 2.5 kg गैस, हर एक के इसमें 2.5 kg गैस लगेगा। प्लीज़ एस टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन भी दबाइए।